हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता बच्चों ये मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है जिसका ये चैप्टर है रैंडम वेरिएबल्स पे इसमें मैं आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में बता चुकी हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल अभी तक हमने जितना काम किया वो सब सिंगल वेरिएबल में था अब आप कर रहे हैं टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब अब रैंडम वेरिएबल जो होंगे एक ही क्वेश्चन में दो दो दिखाई देंगे ठीक है तो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसमें भी टू डायमेंशनल डिस्क्रीट और एक कॉन्टीन्यूस होता है तो आज सीखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ठीक है टू डायमेंशन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है देखो बेटा पहले तो टू डायमेंशन का मीनिंग समझ लीजिए मैं थोड़ा सा पहले आपको रिकॉल करा दूँ कि रैंडम वेरिएबल था क्या कि अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है सपोज कर लीजिए हमारे पास हेड और टेल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का एक्सपेरिमेंट है और हमारे पास दो आउटकम आए हेड और टेल ठीक है तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा जो कि इन आउटकम्स को कोई रियल नंबर असाइन कर देगा जैसे मान लीजिए एक्स था मेरा नंबर ऑफ़ हेड्स ठीक है तो अब क्या होगा अगर मैं एक्स ऑफ हेड निकालूँ तो क्या निकलेगा एक हेड आया है तो वन और x ऑफ टेल निकालूंगी तो एक भी हेड नहीं आया जीरो हेड है तो वैल्यू आ गई जीरो तो x क्या था रैंडम वेरिएबल विच ए अ नंबर रियल नंबर टू एनी टू ईच एंड एवरी आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस अब आपके पास क्या आएगा यही चीज़ दो दो रैंडम वेरिएबल्स में आनी शुरू हो जाएगी तो देखो लेट एक्स एंड वाई बी यानी टू रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस एच तो अब की बारी फंक्शन जो बनेगा देन द फंक्शन एफ एक्स वाई दैट असाइन्स अ पॉइंट इन आर स्क्वायर अब की बार ये आर रियल नंबर ना लेके आपने एक्स वाई प्लेन ले लिया आर स्क्वायर आ गया ठीक है कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड आर इस कॉल्ड अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल अब जो पॉइंट आपको मिलेगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेगा ठीक है ए कॉम और बी फॉर्म में पॉइंट होगा जो ये रियल नंबर जो ये आर स्क्वायर का एलिमेंट अब असाइन करेगा जो भी आउटकम होगी ना जैसे एक्स ऑफ आउटकम जो होगी आपके पास फंक्शन के अंदर दैट इज इक्वल टू सम ऑर्डर्ड पेयर ठीक है तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपका फंक्शन जो होगा ना आपकी बड़ी उसको असाइन कर देगा ठीक है तो अब देखो इसमें जैसे वहां पर वर्ड था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसे ही अब वर्ड आ जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि मास वर्ड आए तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है डेंसिटी वर्ड आ जाता है तो कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है या फिर क्लियरली लिखा होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो याद रखिए कि जब जॉइंट वर्ड आ गया तो दो रैंडम वेरिएबल है जॉइंट का मतलब दो है ठीक है मास फंक्शन आ गया और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसका मतलब मैं स्मॉल एफ की बात कर रही हूं मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉल करा दू आपको देखो पी की बात हो रही है या पी की बात हो रही है पी या पी की बात हो रही है तो हमारे पास स्मॉल एफ एक्स है ठीक है यानी कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स होता है सिंगल वेरिएबल में ठीक है अगर मैं सी डी एफ वर्ड यूज करती हूं तो सीडीएफ का क्या मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और उसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से ठीक है तो अब मैं किसकी बात कर रही हूं ज्वाइंट पी एम एफ की बात कर रही हूं ठीक है ना तो ज्वाइंट है तो ज्वाइंट मतलब दो पी एम एफ मतलब स्मॉल एफ की बात हो रही है अब दो रेंडम वेरिएबल है तो एक्स कॉमर वाई लिख दिया हमने ठीक है अब ये जॉइंट अभी भी काम क्या करेगा प्रोबेबिलिटी देने का ही काम करेगा तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपकी बारी की बारी हर चीज जो सिंगल वेरिएबल में थी वो डबल में आ जाएगी पहले सिंगल x लिखते थे अब मैंने पॉइंट लिख दिया एक्स आई वाई चे तो ये अब आपको क्या देगा प्रोबेबिलिटी देगा देखो किसकी प्रोबेबिलिटी देगा देखो f स्मॉल f मतलब पीएमएफ है एक्स कॉमा वाई मतलब दो रैंडम वेरिएबल है आपकी बारी पॉइंट भी एक सिंगल एक्स बिलोंग्स टू आर ना ओके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा तो एक्स आई वाई जे आ गया ये आपको क्या देगा प्रोबेबिलिटी देगा पी मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी देगा बच्चों मेरी पेंसिल देखिए कहाँ पर है कि जब एक्स एक्स आई होगा और वाई वाई जे होगा ठीक है तो इस ऑर्डर्ड पेयर की प्रोबेबिलिटी ये आपको दे देगा ठीक है तो एफ एक्स वाई हमें क्या दे रहा है बताता है स्मॉल एफ क्या बताता है हमें प्रॉबेबिलिटी और क्यों पी एम एफ वर्ड आया बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ठीक है तो डिस्क्रीट है तो पर्टिकुलरली हमारे पास मास वर्ड आ गया क्लियर अच्छा जैसे वहां पे था कि अगर कोई चीज पीडीएफ uh, बना रही है आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो हमारी प्रोबेबिलिटी होती थी ना कि उसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो वन आएगा ठीक है अगर कॉन्टीन्यूअस है और अगर डिस्क्रीट है तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी का वन आएगा तो सेम चीज यहां पर भी है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हो उन सब की प्रोबेबिलिटीज का अगर आप टोटल करोगे तो वो वन आएगा ठीक है अगर कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होता तो डबल इंटीग्रेशन इक्वल एफ एक्स वाई इक्वल टू वन आ जाता और अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा आपके पास सि सिग्मा का साइन आएगा ये सब बातें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं पहले के लेक्चर्स में बच्चों ठीक है तो चलिए अब इसकी देखो जब भी ऑर्डर्ड पेयर होना और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो आपके पास तो इस तरीके से ना एक टेबल बना लेना इससे ना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है देखो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर तो एक्स की जो वैल्यूज वो ले सकता है वो लिखी है सॉरी कॉलम रो वाइज तो मैंने एक्स की वैल्यूज़ लिखी हैं और कॉलम वाइज मैंने वाई की जो वैल्यूज ले सकता है ऑर्डर पेयर वो मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं अब देखो ये जो पॉइंट होगा ये एक्स वन वाई वन होगा ना मैट्रिक्स की तरह जैसे करते हैं हमेशा पहले रो नंबर रीड करो फिर कॉलम नंबर तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स वन एंड प्रोबेबिलिटी एट वाई इक्वल टू वाई वन ठीक है तो ये मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे प्रॉबेबिलिटी X इक्वल टू एक्स वन कॉमा वाई इक्वल टू वाई वन की प्रोबेबिलिटी तो मैं इसको शॉर्ट में किससे डिनोट कर रही हूँ पी वन वन ठीक है तो जो पहला सब्सक्रिप्ट है P11 में जो पहला नंबर होगा वो X को डिनोट करेगा जो दूसरा नंबर होगा वो Y को डिनोट करेगा ऐसे बेटा इधर आ जाओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी X इक्वल टू एक्स वन की और Y इक्वल टू वाई टू की ठीक है तो मैंने लिख दिया P12 ऐसे ही वाई थ्री यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई थ्री होगा और एक्स इक्वल टू एक्स वन है तो पहला सब्सक्रिप्ट वन हो गया बिकॉज इट स्टैंड फॉर एक्स एंड दूसरा सब्सक्रिप्ट क्या हो गया आपका थ्री हो गया ठीक है ऐसे ही यहाँ आ जाएगा पी वन एम नीचे भी देखो जैसे मैट्रिक्स फिल करते थे ना बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स की एलिमेंट्स ही लिखे हैं मैंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया इसके अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा पी एन वन पी एन टू पी एन थ्री और ये आ जाएगा पी एन एम पी स्टैंड फॉर प्रॉबेबिलिटी और जो पहला सब्सक्रिप्ट है दैट स्टैंड फॉर एक्स एंड नंबर और जो दूसरे वाला सब्सक्रिप्ट होगा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वाई वैल्यू ठीक है बच्चों अब देखो जैसे आप यहां देखो पहली वाली रो जो आई है मेरे पास पी वन वन प्लस पी वन टू प्लस पी वन थ्री प्लस पी वन एम अगर मैं इसका टोटल कर दू फर्स्ट रो का टोटल करूँ तो इसमें पी वन वन तो कॉमन है और किसके ऊपर वेरिएशन आ रही है जे के ऊपर वन टू थ्री फोर तो हम इसको कैसे डिनोट कर देते हैं पी वन डॉट डॉट मतलब यहां पर वेरिएशन है और वन कॉन्स्टेंट है आपका ठीक है तो ये हमें पता चल जाएगा कि वन मतलब एक्स जो है वो तो एक्स वन है और वाई जो है वो कुछ भी हो सकता है डॉट मीन्स ठीक है ऐसे ही सेकेंड रो में देखो सेकेंड रो के अंदर आपके पास टू तो कॉमन है है ना सबके साथ आ रहा है पी टू वन पी टू टू पी टू थ्री टू तो कॉमन है जे चेंज हो रहा है आपका वन टू थ्री फोर तो जो चेंज हो रहा है उसकी जगह डॉट लगा दो ठीक है ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा पी एन डॉट क्लियर इस नोटेशन को याद रखना ये बहुत काम आएगी आगे ठीक है ऐसे ही अब इधर देखिए जरा कॉलम वाइज देखेंगे कॉलम में अगर हम टोटल लेते हैं पी वन वन पी टू वन पी एन वन तो आप देख रहे हो कि वन 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 कॉलम नंबर सेम है रो नंबर चेंज हो रहा है तो जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे डॉट आ जाएगा और जो सेम रहता है उसकी जगह पे जो नंबर है वही आ जाएगा तो वन सेम है तो वन ही आ गया ऐसे सेकंड में देखो कॉलम रो नंबर चेंज हो रहा है तो रो की जगह पे तो डॉट आ गया और कॉलम की जगह पर कॉलम नंबर आ गया दैट इज टू ऐसे ही सिमिलरली पी डॉट थ्री आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा पी डॉट एम ठीक है बच्चों तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम टेबल बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट चलिए अब आगे देखते हैं हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्क्रीट मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन अब एक नया वर्ड यूज हुआ है हमारे पास मार्जिनल जो कि हमने सिंगल वेरिएबल में नहीं किया ये डबल वेरिएबल हो जाते हैं आपके पास ज्वाइंट हो जाता है तभी यूज होगा ठीक है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही वर्ड है इसका मास है तो हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो स्मॉल ही नोटेशन रहेगी मार्जिनल मतलब इंडिविजुअल ठीक है जैसे एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनमें से सिर्फ एक्स का पी एम एफ निकालना हो सिर्फ एक्स का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना हो तो वर्ड आ जाता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर सिर्फ वाई का निकालना हो ठीक है मतलब जॉइंट में से किसी एक चीज को बाहर निकालना है तो उसके लिए वर्ड है मार्जिनल ठीक है तो हमने इसको या तो लिखेंगे डिस्क्रीट मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ठीक है डिस्क्रीट वर्ड आ गया तो हमारे को पता चल गया ये डिस्क्रीट की बात है और यहां पे फिर आप डेंसिटी वर्ड लिख सकते हो और अगर डेंसिटी हटा के मास लिखोगे तो मास अपने आप में बताएगा कि ये डिस्क्रीट की बात हो रही है तो देखो बेटा मार्जिनल पी एम एफ ऑफ एक्स मार्जिनल का मीनिंग मैंने बता दिया इंडिविजुअल है या तो सिर्फ एक्स का आंसर मिलेगा या वाई का तो मेरे को सिर्फ एक्स का निकालना है अभी तो मैंने स्मॉल एफ एक्स लिख दिया ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे स्मॉल एफ का क्या मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ किस पॉइंट पर जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कौन सा पॉइंट है एक्स आई तो मुझे सिर्फ बतानी है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई तो इसका क्या मतलब है बेटा कि एक्स तो एक्स आई होगा और वाई कुछ भी हो सकता है ठीक है ना जैसे आपके पास बहुत सारे कॉर्डिनेट हों तो उसमें एक्स इक्वल टू वन पे मान लो मैं पूछ रही हूँ तो एक्स तो वन ही होगा और वाई कुछ भी हो सकता है तो मैंने इसको खोल के लिखा तो क्या लिखा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स आई और y इक्वल टू कैपिटल टू वाई इस y का मतलब है ये y कोई भी वैल्यू ले सकता है ठीक है है बच्चों समझ आ रही है? तो हमें अब मार्जिनल पी एम एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि हमें स्मॉल एफ एक्स निकालना है ठीक है तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी तो अब इसका मतलब देखो क्या हो गया एक्स तो एक्स आई है और वाई कुछ भी ले सकता है तो वाई एक बारी वाई वन होगा एक बारी वाई टू होगा एक बारी वाई एम होगा तो हमने इन सब पॉइंट्स को एड कर दिया यहां पे तो आपको पता है इसको हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं देखो पी आई वन पी आई टू पी आई थ्री क्योंकि आई के, मतलब अब ये क्या दे देगा आपको आई एथ रो का टोटल दे देगा ठीक है ना क्लियर है तो पी आई डॉट इसका आंसर आ गया सिमिलर काम आपने करना है पीएमएफ ऑफ वाई मतलब जॉइंट पी एम एफ ये जो मेरे पास जॉइंट था ये मेरे पास जो जॉइंट पी एम एफ था इसमें से सिर्फ वाई का पी एम एफ निकाल दो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल पी एम एफ ठीक है अब सिंपली वाई का निकालना है तो क्या करोगे तो मैंने पहले कोई एक पॉइंट ले लिया वाई का सपोज वाई जे ठीक है अब वाई जे निकालना है तो इसका मतलब वाई तो वाई जे है एक्स कुछ भी हो सकता है तो मैंने लिख दिया वाई इक्वल टू वाई जे है बट एक्स कुछ भी हो सकता है दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिया तो अब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या मतलब है कि एक बार एक्स एक्स वन हो सकता है एक्स टू हो सकता है एक्स सेन हो सकता है बट वाई हमेशा वाई वन ही होगा वाई जे ही होगा तो ये आपको क्या दे रहा है एक तरीके से जेएथ कॉलम का टोटल दे देगा क्लियर तो मार्जिनल वर्ड नया था आपके लिए वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब दो रैंडम वेरिएबल आ गए तो वी कैन टॉक अबाउट दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखो अगर मेरे को दो इवेंट दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इसको कैसे डिनोट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम रीड करते हैं गिवन दैट ठीक है ओके तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी या ए गिवन दैट बी इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा पहले ऊपर लो इंटरसेक्शन दोनों इवेंट्स का जो ए और बी दो इवेंट्स हैं आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी जो पीछे लिखा है जो कंडीशन होती है उससे डिवाइड करते हैं ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी यही सेम काम आपको यहां पे भी करना है ठीक है देखो अब आपके पास कैसे यूज होगा ये फॉर्मूला देखो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल है एक एक्स और एक वाई ठीक है तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करना है तो पहले स्मॉल एफ वर्ड आ गया और एक्स गिवन वाई आ गया आपके पास ठीक है ना तो आपको ये निकालना है क्लियर तो मैंने देखो इसको कैसे लिखा स्मॉल एफ क्योंकि रैंडम वेरिएबल x गिवन y की निकालनी है तो मैंने लिखा x लाइन लगा के लिखा y अगर y गिवन x की निकालनी होती तो मैं लिख देती y फिर गिवन का साइन और फिर x अब आपको पता है अंदर पॉइंट आ जाता है हमारे पास ब्रैकेट में तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया x गिवन y तो अब इसका भी फॉर्मूला वही होगा जैसे ये सपोज कर लो आपका ए है और ये सपोज कर लो बी है तो पहले इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि जब एक्स एक्स हो और वाई वाई हो तो मैंने लिख दिया प्रॉबेबिलिटी वेन एक्स इज एक्स और वाई इज वाई

अगर मुझे प्रोबेबिलिटी वाई बाई एक्स ये वाई बाई एक्स तो बता रहा है कि आई एम फाइंडिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई एक्स ठीक है और ये पॉइंट है स्मॉल वाई बाई स्मॉल एक्स पॉइंट है ठीक है जिस पॉइंट पे निकालनी है तो देखो इसका क्या मतलब हो गया कि वाई इक्वल टू वाई होना चाहिए और x इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स मतलब पॉइंट ये, वाल, ये वाली ये वाली एक्स की वैल्यू लेनी है अपॉन क्या होता है जो पीछे लिखा हुआ है वो आता है तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो और ये जीरो हो भी जाता है क्योंकि आपका जो है प्रॉबिलिटी कैन बी जीरो ऑल्सो तो फार्मूला सिर्फ तभी लगाएंगे जब आपके पास ये जीरो नहीं आ रहा होगा क्लियर तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो दो नए वर्ड आए आपके पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो कि हमारा सिंगल वेरिएबल में नहीं था अब देखो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इसको भी आप बहुत आराम से याद कर सकते हो देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं जब आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी के बराबर होता है यही होता है ठीक है अब ए इंटरसेक्शन बी है तो मतलब दोनों लिखने तो दोनों लिखने हैं तो स्मॉल प्रॉबेबिलिटी को कौन डिनोट करता है स्मॉल एफ तो स्मॉल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी ए मतलब मार्जिनल तो स्मॉल एफ एक्स और पी बी मतलब स्मॉल वाई ठीक है अब ये एफ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स का है तो इसके नीचे सब्सक्रिप्ट एक्स लगा दिया एफ वाई रैंडम वेरिएबल वाई का है तो नीचे सब्सक्रिप्ट वाई लगा दिया ठीक है और एफ एक्स वाई ज्वाइंट का है तो नीचे ब्रैकेट लगा दिया हमने सब्सक्रिप्ट एक्स कॉमा वाई ठीक है बच्चों तो अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास क्या होगा कि जॉइंट पी डी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पी डी एफ क्लियर तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई क्लियर तो ये इंडिपेंडेंट के लिए आपको प्रूफ करना होता है अब इनसे रिलेटेड जो भी मैंने ऊपर आपको समझाया है इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं देखो जरा देखो आपको ये तो बात समझ आ गई कि जैसे हमारे पास सिंगल वेरिएबल में एक्स वैल्यू लेता था वन टू थ्री फोर फाइव अब यहां पर क्या लेगा एक्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वैल्यूज लेगा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे तो वन कोमा वन टू कोमा वन थ्री वन इस तरीके के अब जो होंगे हमारे पास पॉइंट्स होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है या कॉन्टीन्यूअस का है तो बेटा अगर आपको नॉर्मली पॉइंट्स लिखे हुए दिखाई दे जाए ठीक है तो आप ये समझ लीजिए ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है अगर आपका ये उसका क्वेश्चन होता सॉरी ये कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन होता ना तो वो ऐसे लिख के देगा x लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन y लाइंग बिटवीन टू एंड थ्री इस टाइप से लिख के देगा इंटरवल की फॉर्म में बना देगा ठीक है तो आपको पता है, ये discrete continuous ये ही डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में यही डिफरेंस है कि डिस्क्रीट में वो बिल्कुल इंटीजर वैल्यूज लेता है और कॉन्टिन्यूस के अंदर वो क्या करेगा आपका डेसिमल में भी वैल्यू ले लेता है पूरे इंटरवल पर वैल्यू लेता है क्लियर तो आपके पास ऑब्जर्वेशन पेयर्स कौन कौन से दे रखे हैं क्वेश्चन में दे रखे हैं और उनकी साथ में प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है आपको क्या क्या निकालना है आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू टू मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी ऐसे डिस्क्रीट के क्वेश्चन होना तो पहले एक बार टेबल बना लिया करो टेबल से काम बहुत जल्दी हो जाता है तो टेबल कैसे बनेगी इधर देखो जरा हमारे पास हमने एक्स रो वाइज लिखेंगे और वाई को कॉलम वाइज तो देखो आपका ऑर्डर पेयर है वन वन तो एक्स हो गया वन और वाई हो गया वन तो मैंने एक्स की जगह वन लिख दिया वाई की जगह वन लिख दिया और इसकी प्रोबेबिलिटी इसके नीचे लिख दी दैट इज़ वन बाई ट्वेंटी नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है मेरा टू कॉमा वन तो एक्स की वैल्यू है टू और वाई की वैल्यू है वन तो टू कॉमा वन यही वाला हो गया तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी वन बाई ट्वेंटी फिर नेक्स्ट है थ्री कॉमा थ्री तो एक्स हो गया थ्री और वाई हो गया थ्री और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई ट्वेंटी क्लियर फिर है एक्स इज फोर एंड वाई इज थ्री तो वाई इज थ्री है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी वन बाई ट्वेंटी है ठीक है नेक्स्ट देखो ऑर्डेड पेयर थ्री कॉमा वन तो एक्स हो गया थ्री और वाई हो गया वन ठीक है x इज फोर y इज वन नेक्स्ट ऑर्डर पेयर था x इज वन y इज टू तो y की वैल्यू टू भी हो सकती है तो x इज वन y इज टू हमने ऊपर मार्क कर लिया और इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय टेन एक्स इज टू वाई इज टू ठीक है जैसे मैट्रिक्स फिल करते हैं ना समझ लीजिए वैसे ही है x अगर थ्री हो और y टू हो तो यहाँ वैल्यू आएगी ठीक है दैट इज वन बाय टेन फिर फोर कॉमा टू ठीक है बच्चों फिर वन कॉमा थ्री That इज वन बाय टेन टू कॉमर थ्री दैट इज ऑल्सो वन बाई टेन एक बार अगर आपने ये टेबल बना ली तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ठीक है तो देखिए अब कैसे निकलेगा आंसर इसने पूछा प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू टू यानी कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू टू और x कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हमने क्या करना है y इक्वल टू टू के नीचे का टोटल ले लो एक बार इसका टोटल्स भी लिख लो यहाँ पे ये देखो इनके टोटल लिख लो यहाँ पे तो देखो वन पहले फर्स्ट कॉलम का टोटल निकाल लेना सेकंड कॉलम का थर्ड कॉलम का तो इसका अभी तो हमें वाई इक्वल टू टू वाला का चाहिए तो वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन ये कितना आ जाएगा मेरा फोर बाय टेन ठीक है बच्चों यहाँ तक समझ आया सबको और बाकी के भी टोटल्स निकाल लेना तो प्रॉबेबिलिटी वाई इक्वल टू टू का क्या मीनिंग हुआ कि एक्स कुछ भी हो सकता है बस वाई टू होना चाहिए तो एक्स एक बार वन वैल्यू ले सकता है ठीक है एक बार एक्स क्या वैल्यू ले सकता है टू ले सकता है तो एक्स इक्वल टू टू वाई टू ठीक है एक बारी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू थ्री वाईक्वल टू टू प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू टू मैंने के खोल के लिख दिया नहीं तो आप डायरेक्टली वाई इक्वल टू टू के कॉलम का टोटल भी ले सकते थे ठीक है तो ये कितना आ जाएगा यही आएगा ठीक है सो दैट इज इक्वल टू फोर बाय टेन क्लियर नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू फोर तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक्स फोर होना चाहिए और वाई कुछ भी हो सकता है तो वाई कौन कौन सी वैल्यू ले सकता था वन टू थ्री तो हमारे पास एक्स इक्वल टू फोर और वाई इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू टू इक्वल टू फोर और y इक्वल टू थ्री ठीक है तो ये देखो कौन कौन सी वैल्यू है देखो x इक्वल टू फोर होना चाहिए और y इक्वल टू वन यानी कि ये एक्स इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू टू ये हो गया और फोर कॉमो थ्री ये हो गया तो इन सब का टोटल आपको निकालना है ठीक है तो एक्स इक्वल टू फोर मतलब जहां पे एक्स फोर है उस वाली रो का टोटल निकाल दो तो हमारे पास आ गया वन बाय टेन वन बाय टेन और वन बाय ट्वेंटी तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल करके वन बाय फोर आप चाहें तो यहां पे भी लिख लें क्लियर नेक्स्ट क्या है प्रोबेबिलिटी दैट वाई इक्वल टू टू गिवन एक्स इक्वल टू फोर तो y इक्वल टू टू गिवन x इक्वल टू फोर देखो जैसे फॉर्मूला लगाते हैं ना इवेंट्स के अंदर ये सपोज a और ये b है वैसे ही लगा लो तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन भी तो यानी कि y इक्वल टू टू होना चाहिए और x इक्वल टू फोर होना चाहिए अपॉन क्या होता है कंडीशन तो प्रोबेबिलिटी आ गई x इक्वल टू फोर ही तो x फोर हो और y टू हो ये कहाँ पर है देखो जरा इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ये देखो इसके अंदर x फोर हो और वाई टू हो उसकी प्रॉबेबिलिटी वन बाय टेन तो ऊपर तो आ गया न्यूमरेटर में वन बाय टेन और x इक्वल टू फोर की प्रॉबेबिलिटी आपने अभी अभी निकाली दैट इज वन बाय फोर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर वन बाय टेन इंटू फोर टू टू ज फोर टू फाइव तो टू बाई फाइव आपका आंसर आ गया ठीक है ठीक है ना मैंने टू टू 4 टू एक्स इक्वल टू फोर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी मेरी वन बाय फोर थी ठीक निकाला मैंने एक्स की इक्वल टू फोर की प्रोबेबिलिटी ले ली और वाई ठीक है आंसर करेक्ट है ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है एग्जामिन इफ द टू इवेंट्स एक्स इक्वल टू फोर एंड वाई इक्वल टू टू आर इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या सिखाया था मैंने अभी अभी देखो एक्स इक्वल टू फोर एंड वाई इक्वल टू टू ये इंडिपेंडेंट कब होंगे जब इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो इनकी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज होगी यही होना चाहिए ठीक है टू फॉर इंडिपेंडेंट ठीक तो x इक्वल टू फोर और y इक्वल टू टू क्या है लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी? देखो x इक्वल टू फोर और y इक्वल टू टू की प्रोबेबिलिटी है ये देखो ये जो मार्क हुई हुई है वन बाय टेन ठीक है तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ गया वन बाय टेन राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू फोर कितनी है मेरे मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू टू तो x इक्वल टू फोर की हमने अभी अभी ऊपर निकाली है दैट इज वन बाय फोर और y इक्वल टू टू मतलब फोर बाय टेन ये हमने अभी निकाली है ना तो फोर बाय टेन तो ये कितना आ गया वन बाय टेन तो एल एच एस अगर आर एच एस के बराबर है तो इंडिपेंडेंट है वो ठीक है ना यही हमें प्रूफ करना था क्लियर अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन और बना के दे रही हूं इसी में ही फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट फाइंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स फाइंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई तो देखो कैसे निकलेगा मार्जिनल है तो इंडिविजुअल देना है इनका तो देखो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है वन टू थ्री फोर ठीक है और इधर इनका टोटल निकाल लो जरा ये कितना हो जाएगा बेटा वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन ये हो गया वन बाय फोर ये भी हो गया वन बाय फोर ये भी हो गया वन बाय फोर तो देखो क्या करना ये जो कॉलम है दिस कॉलम और इधर से इस प्रोबेबिलिटी का कॉलम बस इतना उठा लो ये इसका पी होगा एक्स का तो हम क्या लिख देंगे देखो मार्जिनल पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ऐसे टेबल जैसे हमेशा बनाते थे हम उसकी एक्स वैल्यू ले रहा है वन टू थ्री फोर और नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी या इसको स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हो ठीक है जिस मर्जी से डिनोट कर दो तो देखो एक्स इक्वल टू तो वन पे इसकी प्रोबेबिलिटी ये कितनी आ रही है सबकी हमने निकाली है ऊपर अभी दैट इज इक्वल टू तो सबकी वन बाय फोर है क्लियर टोटल किया हुआ है बस तो ये वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर ऐसे बेटा अगर आपको निकालना है मार्जिनल पी एम एफ ऑफ वाई तो क्या करोगे वाई जो वैल्यू ले रहा है पहले तो वो लिख लो ऊपर तो वाई वैल्यू ले रहा था वन टू थ्री और नीचे उसका सबका टोटल ठीक है वाई इक्वल टू वन का क्या टोटल है टू का क्या है और थ्री का क्या है तो ये देख लेना आप जो भी टोटल आ रहा हो इसका हमारे पास देखें करके मी सी वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन सो दिस इज कमिंग आउट टू भी इक्वल टू थ्री बाय टेन ठीक है और ये कितना आएगा ये भी थ्री बाय टेन आ जाएगा तो थ्री बाय टेन फोर बाय टेन थ्री बाय टेन ठीक है तो ये आ जाएंगे थ्री बाय टेन फोर बाय टेन और थ्री बाय टेन ऑलराइड क्लास तो दिस इज द मार्जिनल पी एम एफ ऑफ वाई तो मैंने आपको मार्जिनल पीएमएफ भी निकालना सिखा दिया क्लियर है बच्चों अब बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए ठीक है मान लीजिए नेक्स्ट पार्ट पूछते हैं मैं नेक्स्ट पार्ट कर देती हूं इसी conditional... तो निकलवाई आपको ऊपर कंडीशनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देती हूँ ठीक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू वन इसका क्या मतलब है देखो एक्स गिवन वाई इक्वल टू वन ये मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो स्मॉल एफ यूज कर लेते हैं इसका क्या मतलब है बच्चों कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है बस y आपका वन ही होना चाहिए ये मीनिंग है ठीक है तो मुझे क्या करना है पहले मैंने x की वैल्यू ली वन और y को लिया वन ठीक है पहले तो ये ले लिया फिर क्या होगा x को ले लो टू और y को ले लो वन फिर ले लो x को ले लो थ्री और y को ले लो वन फिर ले लो x को ले लो फोर और y को ले लो वन ये प्रॉबेबिलिटीज निकाल लो ठीक है सॉरी गिवन वर्ड ठीक है ना गिवन है तो गिवन का सिंबल लगेगा दिस वन ये प्रोबेबिलिटीज निकालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन अपॉन प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वन ठीक है ये यहां आ जाएगी ठीक थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एक्स इक्वल टू वन और वाई वन वन और वाई होना चाहिए वन तो देखो वाई इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी तो ये लिखी थ्री बाई टेन ठीक है यहाँ से भी देख सकते हो आप देखो वाई इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी तो जहाँ वाई वन लिखा उसके नीचे लिखी है थ्री बाय टेन और एक्स वन होना चाहिए और y वन होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी इस सेल में लिखिए जहां मेरी पेंसिल है वन बाई ट्वेंटी तो वन बाय ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री बाय टेन ठीक है तो आपके पास क्या आ गया वन बाय ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री बाई टेन तो ये आ गया वन बाई ट्वेंटी इन टेन बाई थ्री तो ये हो गया वन बाय सिक्स ठीक है अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू टू गिवन वाई इक्वल टू वन तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों एक्स इक्वल टू टू होगा और वाई वन होगा अपॉन वाई इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू वन की तो थ्री बाय टेन है और एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू गिवन वाई वन बाय ट्वेंटी ठीक है तो ये भी सेम आ गई आपकी वन बाय सिक्स ठीक है अब चाहिए आपको एक्स बाय थ्री एक्स इक्वल टू थ्री और वाई इक्वल टू वन ठीक है तो एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू वन अपॉन प्रॉबेबिलिटी वाई इक्वल टू वन तो एक्स थ्री हो वाई वन हो तो वन बाय टेन अपॉन ये आ गया दिस तो वन बाय टेन इंटू टेन बाई थ्री दिस इज इक्वल टू वन बाय थ्री लास्ट बच्चा मेरे पास x इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू वन ठीक बच्चों x इक्वल टू फोर और y इक्वल टू वन तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू वन अपॉन वाई इक्वल टू वन तो x इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू वन पे है प्रोबेबिलिटी वन बाय टेन ठीक है वन बाय टेन ये यस अपॉन थ्री बाय टेन ठीक है तो ये आ गई वन बाई थ्री क्लियर है बच्चों तो इसको प्रॉबिबिलिटीज ये हमने क्या निकाल दिया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू वन निकाल दिया क्लियर है तो देख लिया करो बेटा जो चीज गिवन नहीं है तो समझ लो वो कोई भी वैल्यू ले सकती है और जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू लिख दे कि y यही है तो वो वही लेंगे आप ठीक है क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात राइट right? और देखिए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई ठीक है जॉइंट पी एम एफ पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी सेवन टू एक्स प्लस वाई क्लियर वेयर एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई can assume the value जीरो वन एंड टू ठीक है फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू एक्स ठीक है ये क्वेश्चन है अब देखो बेटा फंक्शन दिया हुआ है पी एक्स वाई इक्वल टू ये दे रखा है ज्वाइंट पीएमएफ ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको ज्वाइंट पीएमएफ निकालना है जिसमें पी एक्स वाई आपको ये दे रखा है बट एक्स वैल्यूज क्या ले सकता है जीरो वन टू तो आपने देखा इंटीजर वैल्यू ले रहा है तो क्वेश्चन किसका हो गया डिस्क्रीट का हो गया वैसे भी पीएमएफ वर्ड यूज हो रहा है तो क्वेश्चन डिस्क्रीट का है तो सबसे पहले तो ना वैल्यूज डाल के टेबल बना लिया करो अगर डिस्क्रीट में आप टेबल बनाने में कामयाब हो गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है ठीक है तो देखो x और y आ गया x क्या क्या वैल्यू ले सकता है जीरो वन और टू ऐसे ही y भी क्या वैल्यू ले सकता है जीरो वन और टू अब वैल्यू कैसे निकलेगी देखो फंक्शन है पी एक्स वाई इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी सेवन टू एक्स प्लस वाई ठीक है इसमें पहले x और y दोनों को जीरो जीरो डालो तो क्या आ गया जीरो आ गया फिर x को जीरो डालिए और y को वन डालिए तो टू एक्स वाली पॉइंट जीरो हो गया जीरो प्लस वन 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 बाई ट्वेंटी सेवन आ गया ठीक है फिर x को जीरो डालिए और y को टू डालिए इसके अंदर तो टू बाई ट्वेंटी सेवन ठीक है ऐसे ही x को वन डाला और y को जीरो डाला तो ये टू बाई ट्वेंटी सेवन दोनों को वन डाला तो थ्री बाय ट्वेंटी सेवन और ये वन टू फोर बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है तो एक्स और वाई की वैल्यू डाल के बेटा फंक्शन बना लिया करो पहले क्लियर है तो आपके पास ये सब वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाकी की भी जो आ रही है फोर बाय ट्वेंटी सेवन फाइव बाय ट्वेंटी सेवन और सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है बच्चों इनके टोटल दूसरी साइड पे निकाल दो ये तो आपको बड़े आराम से मैं लिख देती हूँ फाइंड पी एम एफ मार्जिनल पी एम एफ भी निकालना है ऑफ एक्स एंड वाई ऑल्सो ठीक है तो इनका टोटल निकाल लो बेटा यहां पे तो ये कितना हो जाएगा थ्री बाय ट्वेंटी सेवन तीन नौ पांच नौ बाय सत्ताईस पांच और नौ और पंद्रह ठीक है बच्चों इधर से इसका भी निकाल लो और ये हो जाएगा बारह बाय सत्ताईस ठीक है तो अगर इसने बोला कि मार्जिनल पी निकालो मार्जिनल पी ऑफ एक्स निकालो यानी कि ये निकालना है ठीक है ना मैंने बताया कि जॉइंट में से सिंगल का निकाल लेना इज कॉल्ड मार्जिनल पी एम एफ सॉरी तो ये कैसे लिखेंगे बेटा देखो पहले एक्स जो वैल्यूज ऊपर ले सकता है वो लिख लो जीरो वन और टू और इनकी नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबेबिलिटीज लिख दो तो. ठीक है तो देखो x वाले का टोटल x इक्वल टू जीरो का टोटल आया थ्री बाय ट्वेंटी सेवन मतलब फर्स्ट रो का टोटल फिर एक्स इक्वल टू वन वाली रो का टोटल नाइन बाय ट्वेंटी सेवन एक्स इक्वल टू टू वाली रो का टोटल फाइव बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ये तो हो गया मार्जिनल पी एम एफ एक्स का ऐसे ही आपको निकालना है मार्जिनल पी एम एफ ऑफ वाई यानी कि एफ वाई वाई निकालना है ठीक है तो कैसे निकाल लोगे देखो वाई की वैल्यूज लिख लो जो वाई लेता है जीरो वन और टू ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटीज नीचे ठीक ये लो तो स्मॉल वाई की जो नीचे टोटल्स हैं वो ले लो देखो ये रहा जीरो वन टू इसके नीचे से ये उठा लो ठीक है सिक्स बाई ट्वेंटी सेवन नाइन बाय ट्वेंटी सेवन और ये तो सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन नाइन बाय ट्वेंटी सेवन और ट्वेल्व बाई ट्वेंटी सेवन ये इनके पी एमएफ सा गए क्लियर है बच्चों यहाँ तक अब आपको क्या निकालना है मेन क्वेश्चन तो हमारा क्या था कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी निकालनी थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना था इनफैक्ट कंडीशनल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई फॉर x इक्वल टू एक्स तो कंडीशनल वर्ड है निकालना जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे तो f ऑफ y बाई एक्स ये निकालना है आपको तो f ऑफ देखो y के लिए कुछ नहीं लिखा कि y क्या हो सकता है बट हमें x का पता है कि वो x x ही होना है तो यानी कि x भी कोई वैल्यू ले सकता है तो y इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू एक्स समझ आ गई बच्चों बात ये वाली तो इसका मतलब देखो ना तो x डिफाइन किया ना y इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x आपको निकालना है ठीक है और कंडीशनल वर्ड है इसलिए लाइन लगा रखी है तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू एक्स ये निकालना है ठीक है बच्चों तो अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे आपके पास आ, मान लीजिए हमने पहले y को सेट कर x को सेट कर लिया हमने वन ठीक है तो y कोई भी वैल्यू ले सकता है तो y की वैल्यू ले ली हमने y कौन सी वैल्यूज ले रहे दोनों जीरो वन टू ही ले रहे हैं ना तो y जीरो है और x भी मैंने सपोज x की वैल्यू जीरो सेट कर दी ठीक है और गिवन गिवन का साइन होगा ठीक है फिर हमने y इक्वल टू वन सेट किया और x इक्वल वाई इक्वल टू वन और x अभी जीरो ही है ठीक है और फिर हमने ले लिया y वैल्यू ले रहा है टू और गिवन x ले रहा है वैल्यू जीरो क्लियर निकालो इन वैल्यूज को तो देखो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो और फिर ये क्या आ जाएगा x जीरो होना चाहिए और y वन अपॉन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो ऐसे ही बेटा इसमें क्या आ जाएगा ठीक है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो डालो वैल्यूज इनके अंदर देखो x जीरो वाई जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास जीरो ठीक है अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो की पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये इसके मार्जिनल पी से भी निकल सकती है ये आ गया फिर एक्स इज जीरो वाई इज़ वन तो देखो ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी इधर वाली वन बाई ट्वेंटी सेवन और दूसरे वाले की क्या है टू बाय ट्वेंटी सेवन तो ये हो गई वन बाय ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है और ये टू बाय ट्वेंटी सेवन और थ्री बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ये क्या आ गया वन बाय थ्री और ये क्या आ गया टू बाय थ्री तो आपने ये चीज नोटिस करी कि जब एक्स तो जीरो सेम था तो x इक्वल टू जीरो वाली रो को हमने डिवाइड करवा दिया उससे एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो मतलब ये कॉलम को सॉरी तो हमने ये किया है यहां से उठाया ना x इक्वल टू जीरो गलत उठा लिया हमने एक्स की वैल्यू तो जीरो ही लेनी थी और नहीं ठीक उठाया एक्स इक्वल टू जीरो और वाई कोई भी वैल्यू ले सकता है यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तो न्यूमरेटर तो सबका ये था जो हमने फिलहाल निकाला उसमें न्यूमरेटर सबका ये था और उसको हमने डिवाइड किससे किया था एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि थ्री बाय ट्वेंटी सेवन से तो जो पहली लाइन निकालनी थी तो उसके लिए हमने क्या किया है फर्स्ट रो को डिवाइड कर दिया उसके मार्जिनल वाले वैल्यू से थ्री बाय ट्वेंटी सेवन तो अब जब सेकेंड वाला निकालेंगे तो हम क्या करेंगे उस सेकेंड वाली रो को डिवाइड कर देंगे नाइन बाय ट्वेंटी सेवन से और थर्ड वाला निकालेंगे तो फोर बाय ट्वेंटी सेवन फाइव बाय ट्वेंटी सेवन सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन थर्ड वाली रो को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे से फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सेवन से तो हमारा पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल आएगा ठीक है तो इसलिए हमेशा पहले एक निकाल कर ऑब्जर्व कर लो पैटर्न क्या बन रहा है और फिर बाकी का निकाल दो ठीक है तो मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर एक्स है जीरो वन टू और वाई है मेरे पास जीरो वन सॉरी ऐसे लिखना था ना वाई है मेरे पास जीरो वन टू तो देखो मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स था ना तो मेरा वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो इसकी प्रोबेबिलिटी निकली जीरो और वाई इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू जीरो निकला वन बाई थ्री वाई इक्वल टू टू गिवन एक्स इक्वल टू जीरो निकला मेरा टू बाई थ्री ठीक है तो अब मेरा बाकी के क्या निकलेंगे मैं ऊपर वाला डिवाइड करके लिख लूँ जरा तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों इन सारों को डिवाइड कर लूँ ना टू बाई टू बाय नाइन थ्री बाय नाइन फोर बाय नाइन ये सेकेंड रो हो जाएगी मेरी टू बाय नाइन थ्री बाय नाइन फोर बाय नाइन ठीक है अब सेकेंड वाली क्या होगी थर्ड वाली रो देखो ये जो था आपका फोर बाय ट्वेंटी सेवन फाइव बाई ट्वेंटी सेवन सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन इसको डिवाइड कर देंगे हम फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सेवन से ठीक कर रहे हैं ना डिवाइड हाँ तो ये आ जाएगा फोर बाय फाइव बाई फिफ्टीन और सिक्स बाय फिफ्टीन तो फोर बाय फाइव बाई फिफ्टीन और सिक्स बाय फिफ्टीन ठीक है बच्चों तो ये मेरा बन गया बेटा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू एक्स मतलब सारे कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल थे आपको सबको निकालना था बस आपको ये याद रखना है डिवाइड किससे कर रहे हो जो लाइन के बाद है तो कंडीशन क्या थी x इक्वल टू एक्स तो हमने डिवाइड नीचे किससे करेंगे x इक्वल टू जीरो वाले से x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू वाले से सेम तरीके से बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाता कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालो फॉर y इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू वाई वाले से डिवाइड हो जाता तो कॉलम वाइज प्रोबेबिलिटीज निकल जाती ठीक है बच्चों तो सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स इन टू डायमेंशन ठीक है जिसके अंदर मैंने आपको नया वर्ड सिखाया मार्जिनल का और कंडीशनल का और इनको क्वेश्चन में निकालना भी सिखा दिया ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल इन टू डायमेंशन कराऊंगी उसमें कंडीशनल में भी उसमें भी सारा यही काम करेंगे आप कॉन्टीन्यूअस के अंदर ठीक है वहाँ पर बस इंटीग्रेशन आनी शुरू हो जाएगी ठीक है बच्चों तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें ऑल द बेस्ट